नमस्कार मैं हूं भेज ज्ञान प्रकाश और एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम मुकाबला के साथ आपसे मुखातिब हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम आप लोगों ने मुझे हाल के दिनों में लिखा कि मैं कहा हूं टेलीविजन पर नहीं नजर आ रहा हूं और बहुत 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 शुक्रिया आपका तहे दिल से शुक्रिया आपका हालांकि टेलीविजन से कोई बहुत लंबी दूरी नहीं थी मुश्किल से एक महीने से कुछ ज्यादा वक्त की थी लेकिन इसमें भी आपने मुझे याद किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब बात करते हैं इस प्रोग्राम मेरा अपना मानना है और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं लिख चुका हूं कि 2019 में जो हो रहा है या हो सकता है माफ करिएगा, उसकी एक माहौल और तस्वीर वो 2018 में नजर आनी शुरू हो जाती है क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर हम अतीत के चुनाव को देखें तो एक साल पहले माहौल बन जाता है सरकारें वापस आती भी हैं और सरकारें चली भी जाती हैं इसलिए 2018 में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखना राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करना राजनीतिक घटनाक्रम पर राष्ट्रीय परिवेश से चर्चा करना और उसकी बारीकियों को समझना और आपको समझाना ये मकसद होगा अब मुकाबला तो ये है 2019 का मुकाबला जिसमें हम चर्चा करेंगे यहां से लेकर अगले साल तक की इस तस्वीर में राजनीति में क्या हो रहा है और 2019 का एजेंडा किस तरह से सेट हो रहा है या बदल रहा है अगर हम इन सबका चर्चा की चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त कर्नाटका में हो रहा चुनाव कर्नाटका में हो रहे चुनाव में सीधा सीधा सवाल ही यही पूछा जा रहा है कि क्या इसमें नरेंद्र मोदी की हार होगी क्या इसमें राहुल गांधी की जीत होगी क्या ये चुनाव येदुरप्पा को वापस लेकर आएगा क्या ये चुनाव कांग्रेस की वो मुहर वापस लगवाएगा जिससे कांग्रेस एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अपने आप को पूर्णता सामने रखे और नरेंद्र मोदी अगर जीतते हैं गुजरात में तो बीजेपी अपने आप को काबिज रखे उस पोजीशन पर जो उसने 2014 में हासिल की थी कुछ बड़े सीधे से मेरे पॉइंट्स हैं और चार बड़े बुनियादी सवाल मेरे हिसाब से बनते हैं इस तरह की तस्वीर में पहला सवाल है कि क्या कर्नाटका चुनाव जो है वो वाकई देश की सियासत बदल सकते हैं ये मेरा पहला पॉइंट है क्या वो वाकई देश की सियासत बदल सकते हैं मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि क्या कर्नाटक का चुनाव जो है दिल्ली में मोदी सरकार का आकलन देंगे या उनकी पिछली यदुराप्पा सरकार का आकलन देंगे ये तीसरा पॉइंट यहां पर मेरा है क्या गुजरात के बाद क्योंकि तो कांग्रेस लगातार कह रही कि देखिए साहब गुजरात है क्या हुआ और हम तकरीबन जीत के करीब पहुंच चुके थे क्या गुजरात के बाद राहुल गांधी का यह सबसे बड़ा इम्तिहान है राहुल गांधी के पहले बहुत सारे इम्तिहान हो चुके हैं ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है लेकिन क्या ये सबसे बड़ा इम्तिहान है मौजूदा स्थिति में और एक आखिरी सवाल नौजवान यहां पर बैठे हैं और इनसे जरूर उस पर चर्चा करूंगा कि क्या जब इस तरह का चुनाव होता है कर्नाटका जैसा और उसी के बीच में एक राहुल गांधी लालू यादव की मुलाकात होती है उसी के बीच में बेल्लारी के मशहूर रेड्डी बंधुओं की तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ नजर आती है तो क्या करप्शन भ्रष्टाचार कि मुद्दा होता है इस तरह के चुनाव में तो पैनलिस्ट से भी पूछेंगे और अपने नौजवान ऑडियंस से भी पूछेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये वाकई कोई मुद्दा होता है इस इलेक्शन में पैरल्स आपको फटाफट मिलवाता हूं सब दो ज्ञानी लोग हैं और टी आर रामाचंद्रन साहब है बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और दक्षिण भारत की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं संजय सिंह है, हैं वो कि पॉलिटिकल एटर हैं फर्स्ट पोस्ट के और दिल्ली में क्या हो रहा होगा संजय से हम जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैभव अग्रवाल साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और आलोक शर्मा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से टी आर रामाचंद्रन दिल्ली में बैठे लोगों को ज्यादा समझ मेरे हिसाब से और मेरे साथ निर्देशिका महोदय ने शिवानी जी ने अच्छी खबर सुनाई है कुंवर दानिश अली साहब मौजूद है जो कि जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्सर्सन है जे के बेंगलुरु से टिया दिल्ली में बैठे लोग शायद इस राजनीति को कम समझ पाए इसलिए मैं ईमानदारी से आपसे सवाल पूछूंगा कितना इंपॉर्टेंट है ये कर्नाटका इलेक्शन बहुत महत्व रखता है जहां तक बीजेपी का सवाल है और कांग्रेस का भी कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ के खड़ा हुआ है जहां तक कर्नाटका है ठीक है मेरे ख्याल में ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है क्योंकि यही एक दक्षिण में राज्य था जहां पर उनकी सरकार रही अब ओवरऑल सिचुएशन को देखें कर्नाटका में आज तक की तो ऐसे कोई बड़ी हवा नहीं है जो किसी एक राजनीतिक दल के साथ तय हो रही हो तय हो रही हो अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स में देखेंगे तो लगता है यही है कि या तो इवनली बैलेंस्ड है अगर किसी के एक तरफ आज के तारीख में थोड़ा एडवांटेज है तो वो लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी है उसके भी वजह अलग हैं वो क्यों ऐसे हैं ठीक है लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है मैंने जैसे अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था संजय कि ये और आप और हम सब जानते हैं पत्रकारों के तौर पर कि एक मूड प्री इलेक्शन ईयर में तय होता है बनता है एक मूड जैसे जब 2014 में नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी जीत के साथ आए तो ये तय हो गया था कि 2013 में कांग्रेस की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है उसमें विज्ञान छोटा सा मेरा एक मतभिन्नता ये होगी कि बुली। 2014 के पहले के जो चुनाव हुए हैं 2009 में या 2004 में अगर आप देखेंगे 2004 में बीजेपी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के ठीक पहले के चुनाव जीत गई थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान और उसके बूते पे वो गए थे उस चुनाव में कर्नाटका में कर्नाटका में बीजेपी अपस्विंग पे थी उसी में बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी आई थी और 2009 हजार नौ में बीजेपी अच्छा, जीत गई है। आ, ये, ये, और उसके ये, बाद उसका एक फर्क है हाँ। 14 आते आते क्या हुआ कि उसके पहले के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हो रहे थे वो एग्रीगेट ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन जो पार्लियामेंट के इलेक्शन भी जो थे लोकसभा के नतीजे वो स्टेट इलेक्शन के एग्रीगेट कैलकुलेट करके यहाँ सरकार बन रही थी मोदी ने उस चीज को चेंज किया जिसमें एक नेशनल सेंटिमेंट एक नेता के प्रति और पार्टी के प्रति वो चीज उभर कर हाँ। भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय देना होगा पॉइंट रख रहे हैं मैंने कहा ना संजय मेरी बात का काउंटर पॉइंट रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि अगर आप राज्यों के चुनाव हार रहे हैं या राज्यों के चुनाव जीत रहे हैं तो आप लोकसभा का चुनाव जीत या हार सकते इस बात से मुझे सहमत होना पड़ेगा इसके बड़े वैलिड रीजन है बेसिस ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार फिर अगेन फिर बनाएगी दिल्ली में बट मेरे ख्याल में इसका शैडो जो आउटकम कर्नाटका में होगा इसका शैडो अगले साल के जनरल इलेक्शंस में इनएविटेबल है ठीक है इनएविटेबल आलोक जी इनएविटेबल यानी कि या यथार्थ में इसका असर 2019 में होगा ये टी आर चंदन साहब के मैं टी आर रामचंद्रन साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जिस भी तरह का नतीजा वहाँ से अभी भी हम अंदेशा कर रहे हैं कि कांग्रेस एज बना रही है और गुजरात का जो नतीजा देखा हमने उससे भी पूरी तरह से अब जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं डिलीवरी करने में जो फेल हुई थी उसका रिजल्ट जनता को समझ सुनिए तो आप पूरा इतफाक रखते हैं कि जो रामचंद्रन साहब कह रहे हैं वो सही है आप संजय सिंह की थ्योरी से इतफाक नहीं रखते अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती है

अभी बैटिंग कर रहा शुरुआत के वक्तव्य में, में इसका असर होगा मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर 2019 में इसका असर होगा भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके मतलब नरेंद्र मोदी 2019 में भी वापस आएंगे मैं समझता हूं कि यथार्थ से दूर नहीं हो सकता मैंने पहले भी यह शब्द कहा उसमें सब कुछ है थे अगर सच्चाई अगर होगी वैसा आएगा तो स्वाभाविक है कि उसको स्वीकार करना होगा लेकिन पिछले चार वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार आई है गुजरात को छोड़कर बीजेपी की सरकार पूरे उनतीस राज्यों में कहीं रिपीट नहीं हुई है अभी क्या हो रहा था कि समाजवादी की दस साल से है कांग्रेस की महाराष्ट्र में पंद्रह साल से है कहीं पर हरियाणा में दस साल से है तो मोदी जी अपना जो भी भाषण देना था जो भी सपने दिखाने थे वो दिखाकर आ गए लेकिन अब उनकी वास्तव में असली परीक्षा शुरू हुई है कि भाई आप डिलीवर कहां कर रहे हैं गोवा एकमात्र राज्य था 26 एमएलए थे 26 से घटकर 11 पर आ गए थे सीएम और छह मिनिस्टर भी हार गए थे यहां पर अभी तक येदुरप्पा साहब को साथ में बैठाए हुए हैं मोदी जी रेडी बंधुओं को बैठाए हुए हैं और पूरी तरह से अभी तक किसी एक बैठाए हुए हैं राहुल गांधी देखिए वो राजनीतिक मंच नहीं था किसी को हॉस्पिटल में जाकर मिलना और किसी के ऊपर अगर पंद्रह केस पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के वो मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट हो और पिछले पांच वर्षो में तीन मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट रहे हो आपके तो ये तुलना दोनों की जनता देख रही है मैं समझता हूं कि आज चार साल हो गए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने एक को इंक्वायरी शुरू की हो और उसको समाप्त कर दिया हो तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएं केंद्र में चार साल से सरकार है कर्नाटक में एक उद्योग जिसमें सौ आदमी काम करते हो केंद्र सरकार ने लगाया हो तो बता दें एक पचास बेड का हॉस्पिटल कर्नाटक में केंद्र सरकार ने बना दिया हो तो बता दें ठीक चलिए अब कांग्रेस ने अपना पॉइंट रखा मैंने कहा ना दिल्ली के स्टूडियो में कोई चुनाव तय ना होते ना होंगे आगे भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कर्नाटका क्यों इतना महत्वपूर्ण है दो सवाल है ध्यान से सुनिएगा एक टी आर रामचंद्रन साहब का रखा हुआ पॉइंट कि दक्षिण में सच में एक बड़े राज्य में एंटर करना पॉलिटिकली कर्नाटका में पहली बार आपके लिए संभव हुआ अब उतना ही मुश्किल है आपके लिए उस पोजिशन को जो आपने हासिल की थी उसको होल्ड कर पाना हमें यह देखना है कि कर्नाटका को हम वापस देश में सम्मिलित कैसे करें देश की देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में तो हमारा जो अभी मैनिफेस्टो भी आया आज वो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने कोई भी एक स्पेसिफिक लोकल मुद्दा सिर्फ नहीं उठाया है हमने उस लोकल मुद्दे को स्टेट पे कनेक्ट किया और स्टेट को स्टेट के मुद्दों को हमने वापस भारतवर्ष के मुद्दों से कनेक्ट किया जैसे करप्शन जैसे करप्शन जिसको खत्म करना है जिसको तो खत्म करना, करना है जो कि भाजपा कहती है भाजपा कहती है ना खाएंगे ना खाएंगे देखिए रेड्डी ब्रदर्स को कोर्ट से माफी मिल गई है यदि हम अगर अब, अब अब देश में समय ऐसा आ रहा है कि क्योंकि अब मोदी सरकार है क्योंकि अब डेवलपमेंट एजेंडा चल रहा है कई चीजें जो है बदलाव आ रही है सरकारी ऑफिस में अटेंडेंस सिस्टम लग गया है आप देखें बदलाव की जब परिभाषा हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात है सत्तर साल में किसी ने नहीं सोचा ये चीज करना सब लोगों को प्रॉब्लम इसलिए बीजेपी बदलाव ला रही सर, है पंद्रह केस येदुरप्पा जी के ऊपर हाँ। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के पेंडिंग है ठीक है एक मिनट साहब गिल्टी सब लोग दिल्ली में बैठे सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं क्योंकि कर्नाटका जो है कहा जा रहा है ये देश की सियासत पर बहुत असर डालेगा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं आप लोग कर्नाटका की इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहते हैं जैसा बीजेपी कह रही है आप लोग कर्नाटका में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही है या वापस चाहते हैं कि आप सत्ता के प्लेयर रहे कर्नाटका की पॉलिटिक्स में भाजपा भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करती है कौन से कोर्ट ने रेड्डी ब्रदर्स को माफी दी है जरा बता दें आज ही वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जय गाली जनार्दन रेड्डी को कर्नाटक में कैंपेन तक करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया और ये कह रहे कोर्ट ने माफी दे कर, 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 आप ये सुनिए कि आपने तो पूरा कर्नाटक जो है रेड्डी ब्रदर्स को जनार्दन रेड्डी को लीज पर दे दिया

उनको कर्नाटक का लोकायुक्त नियुक्त करने का काम कुमार स्वामी की सरकार ने किया था और सीदारमैया की सरकार ने उसी लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया ये जो खास तौर पर कर्नाटका का चुनाव है इसमें कितना प्रभाव होगा नरेंद्र मोदी का क्योंकि आज भी सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी या येदुरप्पा का जो उनका पिछला चेहरा रहे और ये पॉइंट हम टी आर रामचंद्रन से शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं इसी मुकाबला प्रोग्राम की शुरुआत में टी आर रामचंद्रन साहब ने एक बात कही थी कि दक्षिण में बीजेपी ने कर्नाटका के जरिए अपने सत्ता में पैर काबिज किए चेहरा कौन था मेरा पॉइंट ये बीजेपी पर हम सेगमेंट में ज्यादा चर्चा करेंगे ये कि नरेंद्र मोदी की रैलियां बढ़ाई जाती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़ी शख्सियत के नेता हैं और उनके रिफ्लेक्शन से नेचुरल है कि बीजेपी फायदा लेना चाहती है और सभी पार्टियां अपने सबसे बड़े नेता का फायदा लेना चाहती हैं तो ये कॉल कर्नाटका के लोगों के लिए क्या होगा येद्यूरपा के हिसाब से होगा या आज भी नरेंद्र मोदी के हिसाब से होगा जबकि वो राज्य का चुनाव है कंपल्शन की वजह से येडियपा को उनको वापस नॉमिनेट करना पड़ा ठीक है एस चीफ मिनिस्टर द विन फॉर अ सेकेंड टर्म ठीक है आइडियल चॉइस तो नहीं है क्योंकि उनके पास और कोई है भी नहीं ठीक है अब रही बात क्या कुछ खास हवा चल रही है कि नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अनऑफिशियली जो रिपोर्ट्स आई हैं पेपर्स में उसने कहा रैलियां बढ़ सकती उनकी नहीं उनकी रैलियां जरूर बढ़ रही हैं अगर पंद्रह थी तो इक्कीस हो गई अगर इक्कीस है तो वो पच्चीस छब्बीस हो जाएगी अब इसका मतलब क्या निकलता है हुँ. बीजेपी के स्पोक्स पर्सनस तो कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई है वहां जहां भी वो रैलीस कर रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू एक्सटेंडेड और कुछ एरिया तो क्या बीजेपी रणनीति पे चल रही है कि यदुरप्पा साहब रहे रहें और ना भी रहे पावर टी पॉइंट कहने का मतलब है।, है कि उनको कोई अल्टरनेटिव मिला नहीं अगर कोई मिला आ, होगा तो जरूर उसको खड़ा कर एक चीज तो तय है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोट कैचर अगर कोई है कहीं भी किसी भी स्टेट में तो वो नरेंद्र मोदी है वो नॉर्थ ईस्ट हो या उसके आगे फिर कहीं आपको, आपको यदुरप्पा की मजबूरी से निपटने की क्या मैं बता है? रहा हूँ 2003 में येदुरप्पा राइजिंग फोर्स 2008 में येदुरप्पा राइजिंग फोर्स 2013 जब आता है तो येदुरप्पा स्प्लिट करते हैं बीजेपी से क्योंकि उस समय की लीडरशिप के हिसाब से वो चीजें नहीं थी लेकिन येदुरप्पा ने दो के चुनाव में अलग लड़कर के ग्यारह वोट लाए और बीजेपी का जो आंकड़ा था वो सीधा आधे पे चालीस से बीस पे आ जाता है तो अगर वो सम कैलकुलेशन होता तो पिछले चुनाव के नतीजे कुछ और हो सकते थे दूसरा चीज एक इतिहास की है जो भी नेता बीजेपी से बाहर गया है नहीं। नहीं। उमा भारती हो नहीं। नहीं। या कल्याण सिंह हो नहीं। नहीं। या ऐसे जो लोग भी गए वापस जब आए तो उतने शक्तिशाली वो नहीं रहे भाई मैं पूछ रहा हूँ सीधी सीधी बात फिर क्या है कि अभी भी टोटल डिपेंडेंसी निर्भरता नरेंद्र मोदी पर कि या 2013 में आपका साथ छोड़ के गए हुए येदुरप्पा को लाकर आप वो एक हिस्सा अभी भी मेन्यपुलेट करके रखना चाहते हैं एक हिस्सा लेकिन आप, साथ में आप ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं एक, से आपने से, एक से। जो कहा एक हिस्सा मेन्युपुलेट करके रखना चाहते हैं वो किसी तरह की मतलब पॉलिटिकल चेसबोर्ड का आप में वैभव जी आप नरेंद्र मोदी के कंधे पर येदुरप्पा जी को लाद कर का चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं क्यों ये ये बात एक एक बॉलीवुड की फिल्म के बाहर होती है देखिए मैं संजय जी की बात से बहुत वाकफियत रखूंगा हुँ। लेकिन उसमें साथ में ये भी देखूंगा कि अगर यदि नरेंद्र भाई हमारा चेहरा है तो हर पार्टी को हर प्रोडक्ट को हर चीज को जो भी जनता के बीच जाती है एक चेहरा चाहिए ब्रांड एम्बेसडर चाहिए

आ, ना विक्रम वेताल ना, आ, शोले बात ही नहीं है सम्मिलित कैसे करा डेवलपमेंट के लिए कितनी बुरी हालत है लेक्स कि में कितना बुरा हाल है हर चीज में और दूसरी बात तो सिर्फ इतनी सी है कि कर्नाटका के हित में आज की तारीख में कौन सी पार्टी सही दिशा दे सकती है और वो सिर्फ भाजपा आएगी और आप देखेंगे आएंगे अगले हिस्से में राहुल गांधी की बात करने अब देखिए राहुल गांधी भी भारतीय राजनीति के बड़े कमाल के नेता हैं कितनी बार वो लॉन्च और प्री लॉन्च हो चुके हैं इसकी गिनती मैं भी भूल गया हूं ठीक है अब फिर वो एक मजबूत स्थिति में आए हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं जैसे मोदी साहब बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं अब यहां पर कितना राहुल फैक्टर क्लिक करेगा कांग्रेस में ऊर्जा आ गई गुजरात के नतीजों को देख करके हाँ राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं तो फिर एक बार वो रिलॉन्च हो गए और मुझे याद है आईसीसी के सेशन में बड़ी तालियां पड़ गई थी सिद्धू साहब के चुटकुलों पर कांग्रेस के सेशन में सिद्धू साहब पहले दो पार्टियों में पहले भी रह चुके तो ये देखो भारतीय राजनीति के अलग अलग रंग होते हैं इसको देखते समझते रहिए अगले हिस्से में बात राहुल गांधी की और सिर्फ राहुल गांधी की पॉइंट राहुल गांधी का संजय सबसे पहले राहुल गांधी अब कितना होगा मतलब देखिए किसी नेता को अभी कितनी बार लॉन्च करेंगे वो अलग एक किताब लिखी जाएगी राहुल गांधी के बारे में लेकिन सीरियस पॉइंट ये है कि आइडियल सिचुएशन है राहुल गांधी के लिए गुजरात में आप टक्कर दे पाए बीजेपी को हालांकि बीजेपी की सरकार वहां पे क्या राहुल गांधी यहाँ से टेक ऑफ कर पाएंगे कर्नाटक को बदल पाएंगे और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर पाएंगे देखिए राहुल गांधी के साथ इस चुनाव में एक अनफॉर्चुनेट चीज है वो क्या है कि इस बार वो काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिद्धारमैया ने अपने आप को इस तरह से स्टेब्लिश किया है कि वो अमरिंदर सिंह जैसे नेता वहाँ काबिज हो गए अगर कांग्रेस चुनाव जीती है जैसे पंजाब चुनाव जीतने के बाद उसका क्रेडिट का सेहरा कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी के सर पे नहीं बन सका अमरिंदर सिंह के सर पे बन वैसे ही कर्नाटका में और के केस में होगा एक तो ये दूसरी चीज यह है कि कैंपेन जिस तरह का कर रहे हैं राहुल गांधी गब्बर सिंह वाला चीज एक छोटी सी हाँ। चीज जो आप ब्रेक में बात कर रहे थे गब्बर सिंह की बात ये दसवां चुनाव है जब वो गब्बर सिंह की बात कर रहे हैं यूपी उत्तराखंड मणिपुर मेघालय त्रिपुरा गोवा पंजाब गुजरात ये दसवां चुनाव है अगर आप गिन लीजिए फरवरी पिछले साल यूपी से शुरू हुआ था जिस समय पहले वो शोले मतलब गब्बर सिंह की बात करते थे साथ में शाहरुख खान की बात करते थे उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स पे आ गया अनफॉर्चुनेटली शोले की शूटिंग कर्नाटका में हुई थी सही बात है और वहाँ वो मनी स्पिनर है लोगों को मतलब तमाम तरह की उसके साथ वो फीलिंग जुड़ी हुई है वो रामनगर नाम की जगह है जो बाद में डिस्ट्रिक्ट भी बन गई अब वहां जाकर के अगर आप गब्बर सिंह और सांभा और वो चीज कहेंगे तो पब्लिक को कितना अपील करती है मुझे समझ में नहीं आता बात राहुल गांधी क्या साबित कर पाएंगे राहुल गांधी अपने आप को इस चुनाव में देखिए मैं समझता हूँ 2007 में जब राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी बने यूथ कांग्रेस एनएसआई की कमान ली उस समय चार बड़े राज्य थे हुँ. और जब तक 2013 तक हम आए उस समय तक 16 राज्यों में बड़े राज्यों में हमारी सरकार थी तो लॉन्च होना, होना, अच्छा। <laughs> होना, होना, मोदी जी को भी लॉन्च किया लेकिन बिहार में कैसे लॉन्च हुए देखा दिल्ली में कैसे लॉन्च हुए में जो वापस आई थी कांग्रेस की सरकार उसमें राहुल गांधी का ज्यादा योगदान था मनमोहन सिंह देखिए मनरेगा जैसी स्कीम्स उस समय पर आई और राहुल गांधी जी ने उनमें लीड ली लेकिन आज इतिहास की बात नहीं आज हम वर्तमान के भविष्य की बात कर रहे हैं मोदी जी तो बहुत तो जोर से राहुल जी बहुत जोर से जो है लॉन्च हो गए थे मोदी जी जो है 2014 में लेकिन उसके तुरंत बाद ही तीन महीने के बाद बनारस में बाई इलेक्शन हार गए थे अपनी बनारस सीट में जो एक विधानसभा का चुनाव था ग्यारह लोकसभा के चुनाव हुए देश के अंदर पिछले चार साल में बीजेपी नौ हारी है तो मोदी जी लॉन्च हुए कि नहीं ये प्रश्न नहीं है आज प्रश्न ये है कि गोवा आप हारते हैं आप गुजरात में बहुत बुरी हालत हो जाती है मणिपुर हारने के बाद भी सरकार बनाते हैं पंजाब हारते हैं बिहार हारते हैं दिल्ली हारते हैं तमाम राज्य हारते हैं तो प्रश्न चिन्ह मोदी जी के ऊपर भी उतना ही आज मुद्दे की बात क्या है आज मुद्दे की बात सीधी सीधी है कि पांच साल वो और पांच साल हमारे इसका कंपैरिजन है केंद्र सरकार ने वहां पर कर्नाटक के लिए पांच साल में क्या किया है रैली बढ़ानी पड़ी क्योंकि उनको लग गया कि ग्राउंड साफ हो चुका पूरा है पूरा ओवर आपको मिला और सारी वाइट बॉल्स। नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं सर व्हाइट बॉल नहीं सर व्हाइट दिया और सारी व्हाइट बॉल अंतिम एक मतलब मेरा बल्ला ही नहीं लगने दे रहे एक भी बॉल पे सर मुझे अंतिम मैं केवल मैंने आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा था राहुल गांधी अपने आप को क्या कर्नाटका के चुनाव में साबित कर पाएंगे बस इतना ही सवाल है दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे इसके आगे मैंने जोड़ा तरह से कांग्रेस की विचारधारा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और रामैया जी के नेतृत्व में अपने आप को प्रूव कर पाएगी और जीत कांग्रेस कर्नाटक की जनता की होगी राहुल गांधी जो कि एकदम से मर्ज कर गए और उन्होंने कहा गुजरात देखिए हम जीतते जीतते ले आए तो क्या वो ये प्रभाव कर्नाटक में दिखा पाएंगे आखिरी बार मेरा कर्नाटक में पूरी तरह से प्रभाव दिख रहा है और माननीय राहुल गांधी जी के ही प्रभाव के कारण मोदी जी को अपनी रैलियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना पड़ा है कि हमारी कम कम से, कब, हमारी से रही है। जो है वो पर लगने दी क्या ये वाकई मतलब 19 में प्रधानमंत्री और ये वाले राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे ओवरऑल एनालिसिस में देखेंगे तो एटलीस्ट इन दीज टू स्टेट इन कर्नाटका इन पर्टिकुलर ही जो मालूम है उनको कि ही कैन डिलीवर इन इन वर्स्ट केस सिचुएशन ठीक और आपको... किसी को लाते तो नहीं होता ये नहीं होता अब ले रहे हम पर एक ब्रेक नौजवानों से फटाफट सवाल लेंगे और कुंवर दानिश अली साहब के पास चलेंगे नहीं तो वो भी शिकायत करेंगे और बात करेंगे हम भ्रष्टाचार की क्योंकि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे बड़ा साफ है कि दोनों साइड्स पर कांग्रेस और बीजेपी का ये बड़ा चुनाव है जेडीएस की अपनी एक जबरदस्त वहां पर ताकत रही है भ्रष्टाचार क्या वाकई कोई इश्यू है कोई मुद्दा है कर्नाटका के इलेक्शंस में इन चुनाव में हम इस पर आएंगे एक जिले से ब्रेक के बाद अंत में सबसे जरूरी है नौजवान जनता यहाँ है कि भाई वाकई इनको लगता है करप्शन क्योंकि एक तरफ रेड्डी बंधुओ की तस्वीरें आपको नजर आती हैं एक तरफ राहुल गांधी चलिए शिष्टाचार में मिलने गए अस्पताल वो तस्वीरें आपको देखने को मिलती है तो क्या करप्शन कोई इशू है हाँ आप में से अगर कोई ये सवाल पूछना चाह रहा है हाँ। वैभव जी सब लोग किसानों की बात कर रहे हैं और अभी तीन मई को आपको कावेरी विवाद का एक नीति बना के देना था केंद्र सरकार के लिए और मोदी जी ने यह दलील दिया कि सारे जो मंत्री हैं वो प्रचार में व्यस्त हैं और ये ये कल कर कल का है सुप्रीम कोर्ट से और हमें ज्यादा वक्त चाहिए आपकी केंद्र सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर बात तमिलनाडु की है तो कर्नाटक में इलेक्शन है तो क्या आप पंद्रह से इक्कीस रैली बढ़ा दी है तो ये बात समझ में नहीं आ रही है आप मंत्रियों को लगाकर वो कावेरी विवाद हल कर सकते थे वो किसानों का मामला है तो इस पर आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया है तो कह रहे हैं आपने रैली बढ़ा दी किसानों की नहीं सुन रहे देखिए देखिए कावेरी मुद्दा जो है वो केवल तमिलनाडु का मुद्दा नहीं है वो देश का मुद्दा है इससे पूरे देश को इम्पैक्ट पड़ेगा और क्योंकि तमिलनाडु का कावेरी मुद्दा जो है उसके अंदर मल्टी एजेंसी स्टेक होल्डर्स हैं यानी सिर्फ मंत्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत स्टेक होल्डर्स हैं और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में मल्टी एजेंसी में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है जिससे ऑल्सो रिप्लाई नहीं आया है जो रिप्लाई आया है उसकी समीक्षा होना बाकी है उसकी समीक्षा होगी मंत्री और मंत्री के साथ के लोगों से तो so यदि मंत्री नहीं है कैंपेनिंग करना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि कर्नाटका में भी सरकार चाहिए देश तो हमारा ही है अगर एक आगर दो सवाल रिप्लाई केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दे देती हम बात कर रहे हैं कि नेशनल इलेक्शंस पे इम्पैक्ट कर्नाटक इलेक्शन का राइट तो जो मैंने महसूस किया है हमारी देश की राजनीति में वो ये है कि आमतौर पे जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उनके अपनी अलग इशूज होते हैं राइट।, राइट और उनका नेशनल इलेक्शन पे प्रभाव जो है वो कभी भी आका नहीं जा सकता राइट। राइट। मैं, मैं तो, दानिश को लाऊंगा जैसे दानिश आपने कहा कि करप्शन ने चर्चा का विषय बन रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसको दबाने की कोशिश करें देखिए करप्शन एक बड़ा मुद्दा है इसमें कोई दो, दो राय नहीं मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि कांग्रेस ने लोकायुक्त यहाँ जो है डिस्ट्रॉय किया केंद्र सरकार मोदी सरकार लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाई राहुल गांधी का जी कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हमें हमें उनकी हम हम उनकी उन्हें बधाई देते हैं लेकिन वो अभी भी ऐसा लगता है जब भाषण करते हैं कि वो एन एस यू आई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं <laughs> मतलब जे डी एस के साथ जो उन्होंने किया आप डिनर पे हमें बुलाते हैं और हासन में जाके देवेगौड़ा जीटी में देवे जाके कहते हैं जेडीएस बीजेपी की बी टीम है तो ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी हल्की बात कहना शोभा नहीं देता सीधा सीधा कारण है दानिश जी कि आप लोग बीजेपी पर अटैक नहीं करें मोदी जी आपके ऊपर अटैक नहीं करें तो देश अब जानना चाह रहा है कि जेडीएस ने जो अंडर द टेबल हाथ मिलाया है क्या वो देश, देश के लिए ठीक है लो करें। लो करें। मोदी करने की जरूरत प्रेशान प्रेशान है छोटा सा है मेरा क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था अटैक मेरा सीधा सीधा एक सवाल है की अमित शाह जी चुनाव के बाद आलोक शर्मा जी को बोलने लीजिए अगर कोई आवश्यकता पड़ी और आपके नेताओं की बाह मरोड़ी गई क्योंकि उनके भी हाथ बहुत जगह दबे हुए हैं क्या आप भाजपा की चरणों में लोटपोट होते हुए तो नजर नहीं आएंगे दानी साहब जल्दी से इनको इनकी बात का जवाब दीजिए और ये बाह मरोड़ी पॉलिटिक्स या बाह मरोड़ू दे, पॉलिटिक्स देखिए कांग्रेस कांग्रेस भी कर चुकी है कोर इशू करप्शन का है दानी साहब जो है बहा 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 मरोड़ी बहा म, ब, से के, बहा मरोड़ी पॉलिटिक्स कांग्रेस ने यूपीए पी और यूपीए में एसपी और बीएसपी के साथ अच्छी तरीके से की है और आपको बता दूं जेडीएस अंडर लीडरशिप ऑफ देवेगौड़ा जी एंड कुमार स्वामी किसी ताकत से नहीं डरता आप किस बहा मरोड़ी की बात कर रहे हैं कोई करप्शन जैसा इश्यू है कर्नाटका के लिए है? बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है आपके साथ मेरा इस मामले में थोड़ा दूसरा है जो स्टेट इलेक्शन होते हैं उसमें नॉर्मली करप्शन वाला इशू जो हम यहाँ बैठ के सोचते हैं वो ग्राउंड पे नहीं होता फॉर इंस्टेंस लालू प्रसाद यादव आज के डेट में कन्विक्टेड है इकतालीस साल की सजा उनको है ग्राउंड पे क्या उनके सपोर्टर्स खत्म हो गए जैसे येद्युरपा मान लीजिए कोर्ट से बरी हो गए नहीं हुए बाकी क्या है एक कास्ट बेस्ड लीडर हैं तो इसलिए लिंगायत तो वोट उनके करप्शन के के केसेस नहीं, 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 नहीं 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 के और बहुत गहरा प्रभाव हो सकता है इसी मसले पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये आज का मुकाबला मैं यहां समाप्त कर रहा हूं और जैसे मैंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है यह 2019 की को देखते हुए होने वाले मुकाबला की आपके लिए होने वाले मुकाबले की सिर्फ शुरुआत है कर्नाटका का जहां तक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है दोनों ही इन नेताओं को अपनी अपनी सियासी हैसियत साबित करनी पड़ेगी कर्नाटका में कर्नाटका के चुनाव आगे का मूड और माहौल किस तरह से बनाते हैं यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा साख दोनों की दाव पर है नरेंद्र मोदी की भी क्योंकि वह सबसे बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के और राहुल गांधी की भी जिनको अब कांग्रेस मानती है कि वो भी उनके सबसे बड़े नेता है तो साख पर है कर्नाटका चुनाव और मूड और माहौल आप लोग बनाते हैं इसीलिए आपके लिए ये मैं मुकाबला लगातार करता रहूंगा फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार